रायपुर से बड़ी खबर, जहां JCCJ की पहली लिस्ट जारी हो गई है और प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आ गई है। पहली लिस्ट में 16 प्रत्याशियों के नाम आ गए हैं। राजनांदगांव से शमशुल आलम को प्रत्याशी बनाया है, जगदलपुर से नवनीत चांद को टिकट दिया गया है, कवर्धा से सुनील केसरवानी उम्मीदवार होंगे। बड़ी खबर आपको बता रही है और लगातार, क्योंकि राजनीतिक दल जो है वो इस बीच देखा जाए अगर तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की तरफ से जारी कर दिया गया है लिस्ट, पहली लिस्ट जिसमें कि 16 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें प्रत्याशियों की तो बड़े चेहरे भी इसमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि राजनांदगांव से शमशुल आलम को प्रत्याशी बनाया गया है और जगदलपुर से नवनीत चांद को टिकट दिया गया है, कवर्धा से सुनील केसरवानी को उम्मीदवार बनाया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार लिस्ट जारी करने का सिलसिला जारी है। तमाम बैठकें और मंथन के बाद राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं और इस बीच 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी JCCJ ने कर दिया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। तो करीब 16 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है और पहली लिस्ट क्योंकि अभी सामने आई है, इसको लेकर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या पता कि मुकाबला त्रिकोणीय हो जाए। कांग्रेस बीजेपी तो है ही, लेकिन यहाँ पर अगर अन्य पार्टियों की बात करें, स्थानीय पार्टियों की बात करें, तो वो भी पीछे नहीं है। उनमें भी तमाम ऐसे चेहरे हैं जो अच्छा खासा प्रभाव डालते हैं इलाके में, और ऐसे में छत्तीसगढ़ की ये प्रमुख विपक्षी पार्टी है और इसलिए कई ऑपरेशंस चलाए, इस ऑपरेशंस को लेकर भी वो चर्चा में रही है। और ऐसे में अगर हम बात करें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की, तो फिर ये अपनी रणनीतियों को लेकर और इनके नेताओं के बयान काफी चर्चा में रहते हैं। एक राजनीतिक दल, महत्वपूर्ण राजनीतिक दल, और ऐसे में पार्टी का गठन पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी द्वारा उनके पुत्र अमित जोगी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकाले जाने के बाद उन्होंने की, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा में पार्टी के 4 विधायक भी है। तो सबसे बड़ी बात ये देखना होगा हालांकि कि आखिर यहाँ के जो उम्मीदवार है उनका कितना प्रभाव होता है चुनावों में, लेकिन फिलहाल 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है अलग अलग जगहों से और ये लिस्ट आ गई है, पहली लिस्ट क्योंकि अभी आई है। इंतजार अभी बाकी है कि और कितने लिस्ट आएंगे और उनमें किन के नाम शामिल होंगे। राजनांदगांव से शमशुल आलम को प्रत्याशी बनाया गया है, जगदलपुर की बात करें नवनीत चांद को टिकट दिया गया है और ऐसे में ये पहली लिस्ट है, लेकिन अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है क्योंकि अभी और भी नामों का ऐलान होना बाकी है। मुकाबला बहुत जबरदस्त हो सकता है छत्तीसगढ़ में, मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। हालांकि किंग मेकर की भूमिका में भी कई पार्टियां रहती हैं और देखना होगा कि आखिर यहां पर किस तरीके के समीकरण बनेंगे। फिलहाल अगर बात करें तो JCCJ की तरफ से 16 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की तरफ से पहली लिस्ट जारी की गई है। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, जो 16 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है उनमें तमाम जो हॉट सीट्स हैं उनके कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया गया है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की तरफ से, यहाँ मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, क्या मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है?
देखिए प्रथम चरण के जो चुनाव होने हैं उन सभी 16 सीटों पर जो उम्मीदवार है उनका नाम घोषित जीजे ने किया है और अभी भी 4 सीट ऐसे हैं जहां आज नामांकन की अंतिम तिथि है और वो नाम का ऐलान अभी नहीं हुआ है। उम्मीद यही है कि कुछ देर बाद दूसरी सूची भी वो जारी कर सकते हैं। और जिस तरह से पंडरिया से रवि चंद्रवंशी को टिकट दिया गया है, कवर्धा से सुनील केसरवानी है जहां मोहम्मद अकबर है वो जो चुनाव लड़ रहे हैं, और इसी तरह से अगर हम राजनांदगांव की बात करें शमगुल आलम है उसे टिकट दिया है, यहाँ से गिरिजवागन कांग्रेस की से उम्मीदवार है, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री है वो वहां से उम्मीदवार है राजनांदगांव से। इसी तरह जो है डोंगरगढ़ से मुकेश साहू को खुदी से विरोध उराम को जो टिकट है वो दिया गया है। बस्तर की जो सीट है वहां पर अगर हम बात करें तो बस्तर में सोन साई कश्यप को उम्मीदवार जेसीजे ने बनाया है, जगदलपुर से नवीन चांद है इनको टिकट दिया गया है। क्योंकि अब चुनाव दिलचस्प इसलिए भी कहा जा सकता है कि एकमात्र छत्तीसगढ़ की जो 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 पार्टी है तो इस लिहाज से कहा जा सकता है इससे पहले भी उनकी सीटें थी जेसीजी जे का, तो ये उम्मीद यही जताई जा रही है कि इन सीटों राजनीतिक समीकरणों की बात करें युगल कांग्रेस और तो 2018 के विधानसभा चुनाव में जोगी कांग्रेस और बसपा के बीच गठबंधन हुआ और 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन केवल 7 विधानसभा सीट पर ही चुनाव ये गठबंधन जीत सके, जिसमें कि 5 सीट जोगी कांग्रेस के खाते में और 2 बीएसपी के खाते में गई। 2023 की अगर बात करें तो यहां पर कितना बड़ा बदलाव होगा? तब जो पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के नवगठित राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे और उनका कद औरा काफी बड़ा था और उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, उसके बाद क्षेत्रीय पार्टी के रूप से जो जोगी कांग्रेस है वो सामने आई, तब 7 सीट इनको मिला था जिसमें 5 सीट इनका रहा, लेकिन एक एक करके जो जोगी कांग्रेस के जो विधायक है वो टूटते गए, कोई भाजपा में तो कोई कांग्रेस में इस तरह से शामिल होते गए, और अभी हाल ही में एक जोगी कांग्रेस के जो विधायक रहे उन्हें बीजेपी का दावन थामा धर्मजीत सिंह ने, तो ये कहा जा सकता है संघर्ष तो इनको क्षेत्रीय पार्टी है इसलिए आज से करना पड़ेगा। और बसपा की गठबंधन की बात जैसे आपने कही तो बसपा से गठबंधन तो हुआ था लेकिन गठबंधन चल नहीं पाया, कुछ मनमुटाव भी हुए और उसकी वजह से दरारें भी आई, तो ये कहा जा सकता है जो परंपरागत सीट रही है बसपा की उन 2 सीटों पे उन्हें जीत मिली, लेकिन कांग्रेस को काफी डैमेज किया था स्थानीय पार्टी होने के नाते जेसीजी जे की पार्टी ने योगी कांग्रेस ने, तो अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि टक्कर तो होगी कुछ सीटों पर जी जरूर। चलिए 16 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है जेसीसीजे की तरफ से, अभी आगे देखना होगा मुकाबला यहाँ कितना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया युगल आपका जानकारी साझा करने के लिए। बात मध्य प्रदेश की अगर करें तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, कुल मिलाकर